डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए सीखेंगे। स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के दौरान कई जगहों पर हमारा इस्तेमाल करना होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखें कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ऑरली कैसे कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो उसको मन ही मन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक नंबर हम लेते हैं 600। अब अगर हमको 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 600 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक्सप्रेस करना। तो एक कंसेप्ट आप इसके लिए पहले समझिए, जब कभी भी हम 1, 2 और 1, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1, 0 बनाता है। ये 2 और 5 की प्रॉपर्टीज होती है कि जब कभी भी 1, 2 और 1, 5 मिलता है तो हमेशा राइट साइड में एक 0 बनता है। अगर हम 2, 2 और 2, 5 मिला देंगे तो क्या होगा, 2, 0 बनेगा। अगर हम 3, 2 और 3, 5 मिला देंगे तो क्या होगा, 3, 0 बनेगा। अगर हम 4, 2 और 3, 5 मिला देंगे तो क्या होगा। अब देखो, पेयर मिलने पर 0 बनता है। अब 5, 3 ही है तो हम 0, 3 ही बना पाएंगे। 1, 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है कि जब 2 और 5 मिलेगा तो 0 बनाएगा। तो जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना 0 बनेगा। तो अगर हम उसका उल्टा सोचें कि राइट साइड में अगर किसी भी नंबर के राइट साइड में अगर 1, 0 है तो इसका मतलब उसमें 1, 2 और 1, 5 है एज ए फैक्टर। अगर 2, 0 है तो उसमें 2, 2 और 2, 5 है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें। अगर राइट साइड में अगर जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसके राइट साइड में 0 है तो जितना 0 है मतलब उसमें ऑलरेडी उतना 2 और उतना 5 है। 2, 0 का मतलब 2, 2 और 2, 5। अब क्या बच गया, बच गया 6। तो 6 को क्या करेंगे मन में, 2 × 3। तो अब क्या हो गया फाइनली, तो 2, 2 यहां, 1, 2 यहां, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम करना है कि आप देखो क्या उस नंबर के लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 है तो जितना 0 है उसका मतलब उसमें उतना 2 और उतना 5 है। और जब 0 का हम फैक्टराइज करके अलग कर लिए तब जो नंबर में बचेगा उस नंबर को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ब्रेक कर लें। जैसे एक और नंबर लो 360। हमारा सबसे पहला काम, हम लास्ट के 0, 1, 0 है इसका मतलब हम समझ गए इसमें 1, 2 है और 1, 5 है। अब क्या बचा, 36 बचा। 36 को आप अपने सुविधा अनुसार ब्रेक करो, आप जैसे कर सकते हो। जैसे मान लो हमने अगर एक इवन और एक ऑड में अलग अलग कर लिया तो बेटर है। जैसे हम कर लिए 9, 4, 36। तो इवन इनटू ऑड करने से फायदा ये कि हम समझ गए कि ऑड में तो 2 हो नहीं सकता है तो 4 में क्या हो गया, 2, 2, 4 और 9 में 3, 3, 9 तो हो गया। आप कंबाइन कर लो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 तो फाइनली 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। सपोज करो कि जैसे हमने 4 × 9, 36 को क्या किया यहाँ पर, 4 × 9 किया। अब कोई 4 × 9 नहीं करेगा, कुछ और ही कर लेगा। मान लो 36 को किसी ने 6 × 6 कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बात वही होता कि 1, 6 मतलब फिर से इसको ब्रेक करते 2 × 3, 1, 2, 1, 3 तो 2, 6 में 2, 2, 2, 3 फिर उसको कंबाइन कर लेते। तो अगर लास्ट में 0 रहेगा तो 0 को 2 और 5 में तोड़ेंगे, और अगर लास्ट में 0 नहीं रहेगा तब जो नंबर रहेगा उसको अपने सुविधा अनुसार तोड़ दो, और जब छोटा हो जाए तब उसको आराम से आप सोचो। जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो 1800 है, अब लास्ट में 2, 0 है तो 2, 0 का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 और 2, 2 और 2, 5। इसको आप मन में भी रख सकते हैं, हम बस लिख रहे हैं आपको समझ में आए इसके लिए। आप इसको मन में रखिए कि इसमें क्या हो गया, लास्ट में 2, 0 मतलब 2, 2 और 2, 5 हो गया। अब बच गया 18, आप इसको ब्रेक करो। हमेशा कोशिश करना अगर इवन इनटू ऑड हो जाए तो मामला आसान है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग भी करेंगे तो थोड़ा एक आधे स्टेप बढ़ेगा। तो हम 18 को 2 × 9 सोच सकते हैं, तो 9 तो ऑड हो गया तो उसमें अब इवन हो नहीं सकता है, तो 2 × 9 सोचे तो 1, 2 यहां पर और 2, 2, 2, 0 के कारण तो 2 का पावर 3 हो गया।
फिर 2 × 9 सोचा तो 9 क्या है, 3 × 3, तो 3 का पावर 2 हो गया, और 2 5 है तो 2 0 है तो 2 5 तो रहा ही होगा, तो इसको हमने लिख दिया। कोई भी नंबर्स, अब आपको लगेगा हो सकता है कि नहीं ये तो जीरो वाला है तब मामला आसान हो जाता है, जब जीरो वाला नंबर नहीं रहेगा तब हम कैसे करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता है, आप जीरो वाला रहने से थोड़ा सा आसान ज्यादा है, लेकिन जीरो वाला नहीं भी है तब भी आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 1296 है, जैसे 1296 को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कोई भी नंबर जिससे आपको दिखता है, एक नंबर को आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है आराम से कि आप देखो 12 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, बड़े से बड़े नंबर से सोचो कि किससे आप एक बार में डिवाइड कर दोगे, बड़े नंबर से सोचोगे तो थोड़ा इजी हो, तो 12 से तो बिल्कुल दिख रहा है, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 12 से वन बार में 12 उतरेगा, 9 नहीं लगेगा 0, और फिर उतरेगा 6 तो 12 8 तक 96, फिर हम 108 को कर लेंगे 12 9 द 108। अब क्या है, एक 12 में क्या होता है, तो 2 2 द 4 3 द 12, तो एक 12 में 2 2 और 1 3 हुआ, दूसरे 12 में भी सेम होगा 2 2 और 1 3, और 9 में 3 × 3, तो आपस मन में ब्रेक कर लो 2 2 4, 2 का पावर 4 हो गया, और 3 का पावर 1 + 1 2 + 2 4 3 का भी पावर 4 हो गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो कोई ऐसे नहीं सोचता, एक कोई दूसरा आदमी है, उसने उसके दिमाग में ये 12 से नहीं आया, जैसे 1296 है, और सडन उसके दिमाग में आ गया कि अच्छा ये तो 36 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर है, 36 × 36 है, तो 36 कैसे होता है, 4 × 9, तो एक 36 में क्या है, 2 2 है और 2 3 है, तो दूसरे 36 में भी यही रिपीट कर जाएगा 2 2 और 2 3, तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 2 का पावर 2 इसमें, और फिर इस 36 में भी 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो हो सकता है कि एक बार भी आपके मन में कुछ भी आए, बस आप उसको क्या करो, छोटे टुकड़े में लाओ और फिर वहां से एक्सप्रेस कर दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ये आप बिल्कुल ऑरली करने लगते हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, मान लो एक नंबर हम लोग लेते हैं 10872, अब ये तो बड़ा नंबर है, कुछ आपको दिख रहा है जिससे आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 8 वगैरह से भी दिख रहा है, लेकिन आराम से 36 देखो, 36 3 द 108, 36 2 द 72, पक्का कटेगा, तो आप 36 से इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3 बार में 108, 7 उतरा नहीं लगा 0, और फिर क्या कर लेंगे 36 2 द 72। अब 302 को अगर निकालेंगे तो 2 × 151 खुद प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर कैसे समझेंगे, कोई भी बड़ा नंबर है कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट आप लगभग सोच लो कितना होता है, जैसे 12 का स्क्वायर रूट 144 होगा और 13 का 169, तो हमको बस 12 तक से चेक करना है, ऑड है तो कोई भी इवन 2 4 इस सब से लगेगा नहीं, इसके सारे डिजिट को जोड़ लो, 5 + 1 + 1 = 7, तो 3 वाला नहीं लगेगा, एक सिर्फ आपको 7 से चेक करना है, तो 7 से अगर 7 से चेक करेंगे तो 7 × 2 = 14, और 1 बचा तो 11 तो नहीं लगा, तो अगर तो नहीं लगा तो इसका मतलब ये खुद प्राइम नंबर है, तो इसको आगे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अब इधर तोड़ लो 36 को, तो क्या होता है 4 9 द 36, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, तो क्या हो गया फाइनली 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 151 का पावर 1, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो कितना भी बड़ा नंबर है, जैसे मान लो एक और बड़ा नंबर लेते हैं 63000, ये तो जीरो वाला है, जीरो वाला होने से तो मामला बहुत आसान है, 3 0 का मतलब 3 2 और 3 5 हो गया, 3 2 और 3 5 हो गया, बच गया 63, आराम से ब्रेक करो 9 7 द 63, तो 9 का 3 का पावर 2 और 7 का 7, अब आप कंबाइन कर दो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3, 7 का पावर 1, तो कोई भी नंबर रहे आप चाहें तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर जीरो बेस्ड नंबर है तो आपका काम थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अगर जीरो बेस्ड नंबर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक और नंबर लेते हैं 1024, अब 1024 क्या है, तो आप कुछ भी सोचो, जैसे अगर हमने सोच लिया कि अच्छा ये 32 का स्क्वायर है, 32 × 32 है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक 32 में 2 2 द 4 2 द 8 2 द 16 2 द 32, एक 32 में 2 का पावर 5 है, दूसरे में भी 2 का पावर 5 रहेगा, तो ये 2 का पावर 10 होगा।
जरूरी नहीं है कि आप यही सोचें, हो सकता है कि किसके जगह पर कोई सोच लेते अच्छा 8 से डिविजिबल हो रहा है, 16 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो फिर स्टेप बढ़ाते। तो स्टूडेंट मूल कंसेप्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम अगर सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या उस नंबर के राइट साइड में जीरो है। अगर उस नंबर के राइट साइड में जीरो है तो हम देखते ही उसको समझ लेंगे जितना जीरो है हमारे हाथ फैक्टराइजेशन के रूप में उतना टू और उतना फाइव हो गया, और उसके बाद जो नंबर लेफ्ट में बचेगा उस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऑलरेडी जीरो हटने से वो छोटा नंबर हो गया और फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन और जीरो वाले फैक्टराइजेशन को ऐड करके लिख देंगे। और अगर मान लो जीरो वाला नहीं भी है तो आप आराम से उसको कोशिश करो क्योंकि आप उसको दो टुकड़े में, पहले जो नंबर है अगर वो छोटा हो जाएगा तो सोचना आसान हो जाएगा। जैसे आप देखो 108 72 10872 पांच अंक का नंबर था, लेकिन जैसे ही आपको दिख गया कुछ भी तो 36 को हमने जैसे ही बाहर किया तो 302। अब ये छोटा नंबर है, इसको ब्रेक करना आसान है, लेकिन 10872 का डायरेक्ट सोचना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि कई जगह पर फैक्टर्स थ्योरम में इसकी जरूरत होती है या गणित में कई जगहों पर, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन को बात करोगे तो कोई भी दिया गया, अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है सिंपल फ्रैक्शन, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, इसको चेक करने के लिए आप उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत सारा जगह है जहां की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है, सीएफएलसीएम चैप्टर में कई जगहों पर जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर्स का, बड़े से बड़े नंबर्स का आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।